हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। एंड आज देखो हम लोग का ब्लॉग फिर से जनरेट शुरू कर रहा है। एंड हम लोग प्लान किया था अभी से निकालने के लिए जाटिंग का वाटरफॉल पे जाने के लिए। एंड वो कितना दूर है जस्ट एक्सपीरियंस नहीं जाके आप बता चल रहेंगे, तो आप लोग इस ब्लॉग को जरूर इन्जॉय करना। एंड हम लोग बोधरो भाई पीछे में है एंड आज गोफ्रो टेस्ट करेंगे। बोधरो भाई का गोफ्रो है ये, लेकिन हमारा ये माउंट होल्डर में लगाया और जस्ट टेस्ट करेंगे कैसा होते हैं ये प्रोटीज। अरे प्रोटीज तो काफ़ी अच्छी है। एंड हम लोग निकलते हैं ये फायर ब्रिगेड स्टेशन से, और ये जो लोकेशन है नियर बाई पुलिस स्टेशन ही होता है। एंड हम लोग जाते हैं थोड़ा मेन रोड तरफ, क्योंकि दो रूट ये इस तरफ भी है इस तरफ भी है, लेकिन इस तरफ जा नहीं सकता। आज दुर्गा पूजा है ना, इसका वजह से ट्रैफिक बहुत ही जाम दे रहा है एंड इसका वजह से जाने नहीं दे रहा है। और हम लोग जाते हैं अभी मेन रोड तरफ एंड ट्रैफिक जाम होगा कि नहीं होगा। कल रात में और एक फेस्टिवल भी हुआ था जटिंग का फेस्टिवल, उसके वजह से बहुत ही ज़्यादा कल रात में ट्रैफिक जाम हुआ था, इसका वजह से जाने नहीं दे रहे ना। और फिर अभी हम लोग जाते हैं अभी पुलिस स्टेशन तरफ एंड अभी हम लोग का रॉक गार्डन तरफ जाता है। और ये जो है डॉन बॉस्को लोकेशन, डॉन बॉस्को स्कूल। एंड यहाँ पर ना बहुत बड़ा स्पीकर ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ेगा। अगर और चले भाई कौंसिल तरफ जाते हैं, कौंसिल तरफ जाने के बाद वहाँ का आप लोग व्यू भी देख लीजिए। सो फाइनली अभी हम लोग ब्लॉग शुरू कर रहे हैं हम लोग डॉन बॉस्को स्कूल से। एंड दोस्त लोगों भी वेट करता है, और वहाँ पर कौंसिल में बोला था जब बस जस्ट देखता है वहाँ पर वेट करता है कि नहीं करता है। हरंग का जाओगे तुम ना जिस बा वो छाप करोगे रेरा तो फाइ दो जने कौन सा सुबह क्या हरी बाल में सर रे हूँ में सर रे में सब से बड़ी सॉर्ट्स करेगा सबसे। तो गाइस हम लोग यहाँ पर फिर से निकलते हैं, और यहाँ पे जो है कौंसिल, जो है कौंसिल में थोड़ा हम लोग रुका था और मेरा भाई ने सर्च किया था ये गाड़ी में, उसके बाद निकल गया है। और अभी जाएंगे सीधा वाटरफॉल में, जटिंग का वाटरफॉल में। और इन लोग तो बाइक से जा रहे हैं, चार लोग हम लोग मिल के जाया था। वैसे कल रात में फेस्टिवल जटिंग का फेस्टिवल हुआ था उस समय में, और बहुत सारे लोग एक्सीडेंट हुआ बोला, लेकिन हम लोग इसलिए थोड़ा डर रहे हैं कोई अगर नशा वाला आएगा तो ये लोग ठोक देगा ना, इसलिए हम लोग थोड़ा अपने आप को बचा के जाना पड़ेगा। अभी हो गया ये माई बैंक काउंटर, अब लोग तो वैसे भी पार होने वाला है। अभी भाई सब फिर से हम लोग माई बैंक काउंटर से निकल रहा है। गोफ्रो का साउंड कभी ज़्यादा हुआ करता था ना, आवाज़ ज़्यादातर क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए हम दाब किया था। अभी हम लोग निकल रहे हैं माई बैंक काउंटर से फिर से, और यहाँ पर बहुत सारा अच्छा व्यू देखने को मिलने वाला है। एंड यहाँ पर जो साइड साइड में जो है ना बाड़ी को फूट दिया गया है। एंड हम लोग जलते हैं और इसको फार होने के बाद बोरो हम लोग मिलेंगे, वहाँ पर भी नया नया आप लोग व्यू देखने को मिल जाएंगे। चलो यहाँ का नज़ारा और व्यूज़ देख के मुझे होश उड़ गया था। एंड यहाँ पर जो है ना बहुत सारा गाड़ी आया था कलर में, इतनी ज़्यादा बोलना मत। एंड हमारा भाई लोग जो है आगे जा चुका है, एंड ये लोगों को पीछा तो करना पड़ेगा ना भाई, और नहीं तो हम लोग तो पीछा छूट जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे ना या स्पीच चलूँगी ना अब लोग का हिसाब से भाई कॉमेंट में ज़रूर बताना। एंड हम लोग भी ऐसा वैसा तो राइडिंग तो नहीं, राइडर तो नहीं, इस ऐसा वैसा चलने वाला है। कभी कभी मेरा मोटो ब्लॉक ज़्यादातर हम नहीं बनाता है ना, इसके वजह से हम गाड़ी को स्पीड नहीं कर पा रहा है, तो सॉरी इसके लिए भाई साहब। एंड ये जो है छोटा गाड़ी है, स्कूटी है, इसलिए कहाँ से स्पीड कर पाऊँगा। गैस हम लोग यहाँ पर बोरो हॉपरों में पहुँच गए, एंड सोंको रेस्टोरेंट तो आप लोग बताए ही होंगे, और अभी तक नहीं मिला है यार। लेकिन हम लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलने का वक्त बहुत अच्छा लगा। एंड यहाँ का जो व्यू है, मौसम है बहुत बढ़िया है अभी के समय में, और विंटर भी नहीं घुसा और समर सीज़न भी नहीं ख़त्म हुआ, इसके वजह से हम बहुत ही मौसम अच्छा लगा। एंड यहाँ पर हम लोग इसलिए रुकी थी, मतलब
हमारा जो आर्नो भाई जो है ना वो बहुत डर लगा था बैठने के समय में छोटा गाड़ी में बाइक में, और ड्राइवर को बिना हेलमेट चला रही है और फिर वो हेलमेट पहन लिया, बिना हेलमेट से डर लगा था ना इसलिए हेलमेट पहन लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं चली है। और हम लोग तो बोरहापुरी वैसे पहुँच गया एंड यहाँ का आई लव दी महासाव में हम लोग उसको पार करने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग ना वहाँ पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन कभी कभी हम वीडियो बनाएंगे वहाँ पर जाके आके। तो गाइस अभी मैं ना जहाँ पर जाटिंग का ब्रिज हुआ करता था वहाँ भी पहुँच गया एंड बहुत इतना सारा खुश है मैं, आज में जिंदगी भी ऐसा खुश नहीं मिला। तो हारोंग गजा और रास्ता तरफ हम लोग जाने वाला है कि जाटिंग का वाटरफॉल बोलता हूँ मैं आपको, वहाँ पर हम लोग आपको दिखाने के लिए ले चलता है। रास्ता तो रास्ता का हालात थोड़ा कंडीशन थोड़ा ख़राब होगा, लेकिन आप लोग इसके लिए सॉरी, दिखाने के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे रास्ता का जो कंडीशन वो भी। चले दिखाता है कितनी ब्यूटीफुल होता है वाटरफॉल। ये जो पार है ना बोरा हिल रेंज है, इतना ऊँचा है ना उधर, ये देखो ये पार को बोरा हिल रेंज, ये देखो ना इतना ज़्यादा खूबसूरत है। तो फाइनली हम जो है घुस गए हैं ये जटिंग का वाटरफॉल की तरफ में एंड ये जो है रंगदाव रोड एंड फाइनली भी मिलने वाला है, इतना दूर नहीं है बोला मेरा दोस्त ने। भाई साहब मैं आपको बोलना चाहूँगा ये लोकेशन जटिंग का वर्ल्ड वाटरफॉल की लोकेशन जो हम उतना परफेक्ट नहीं जानता कहाँ पे होगा, इसलिए हम लोग रास्ते का साइड में बोला, लेकिन हम लोग ढूंढते जाता है ना, बट देख देख के जाना पड़ रहा है, नज़र हटी तो घटना घटी। ये देखो भाई ये देखो बाप रे चट्टा डुआ, अरे भाई ये देखो वाटरफॉल इतना खूबसूरत बन गया, ओहो बाहर करना पड़ेगा गाड़ी, ये देखो भाई ये देखे भाई काल में इनोग्रेशन काल में ओपन हुआ था, हम लोग आज आ गया यानी एक दिन बाद, यानी आज इसको हम एक्सपीरियंस लेंगे। ये ऊपर में जो हैंग ब्रिज हुआ करता था उसमें जाके ज़रूर वहाँ के जो नज़ारा है बहुत खूबसूरत होगा। एंड अभी मेरा फ़ोन की कैमरा बदल गया, पूरा ब्लैक एंड वाइट हो गया हमारा जो कैमरा, एंड वाटर बॉल को देखने जा रहा है हम लोग अभी, कैसा होगा एक्सपीरियंस आप लोग देखना। सो एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हुआ आज यहाँ पर आने का। ये देखे भाई जटिंग का वाटरफॉल, जटिंग का वाटरफॉल, पानी वाटरफॉल, पानी वाटरफॉल, यहाँ पर ठंडे ठंडे होगा जाके नहाएंगे, नहीं नहाएगा ठंडा है आएगा, तो हम लोग गमछा भी नहीं लाए यार, तो खुले हवा से कितना कितना सुंदर है ये जो वाटरफॉल है, कम से कम 3 स्टेप यहाँ पर गिरता है पानी, मतलब देखो 1 2 3। यहाँ पे तो ज़्यादातर हिलता है रे, ये देखे वाह वाह इतने खूबसूरत है ये जो वाटरफॉल है ना, पूरा नेक्स्ट लेवल है ये जो वाटरफॉल, नेक्स्ट लेवल है, इतनी पानी इतना तेज से गिरता है और 3 बार गिरती है यहाँ पे और नीचे है, एंड यह वजह बहुत गहरा होगा पानी, लेकिन बहुत क्लियर है, पूरा ज़बरदस्त है भाई ये जो थोड़ा अच्छा है एंड हम लोग थोड़े देर के बाद रील बनाने वाला है। वाह यहाँ पे पानी इतना क्लियर है ना भाई, जैसे कि ये स्विमिंग पूल का जैसा हो गया, ये इतना ग्रीन नीट एंड क्लीन, ये जो वाटरफॉल है लो देखो ना आ रहे हैं, ऐ मिर्जा दो मकई भी ना मकइया, हाँ ऐ छोटे छोटे बच्चे नहा रहा है इधर, और अब बिरसा सा ना बिरसा रोया टॉक टॉक डरना टॉक क्लिक मा, देखो इतना क्यूट छोटी छोटी बच्चे नहा रहे हैं इधर, जी रखो भी ना रखो या हाँ मकई भी ना मकई है जी, कैसा लगा यहाँ पर विजिट करने के बाद? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन खुश अच्छा भी नहीं लग रहा है क्या अच्छा नहीं लग रहा है बोलने वाले तो क्या
अभी मेरा आग में घुस घुस गया है, मच्छर घुस गया होगा। चलो यहाँ पर देख कर दिखाते हैं वो स्तर वॉल एंड बाकी सारे लोग, पिटूस भाई और ये भाई भी और ये भी, हम लोग चार लोग आए हैं मिलके। जो वगैरह नहीं लाया इसलिए हम यहाँ पर नहा नहीं पाऊँगा एंड बहुत सारा आदमी भी है, इसके लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम कम सा नहीं लगेगा तो क्या करेगा ना। नेक्स्ट दिन में आएंगे जब वो वाटरफॉल में नहाने के लिए आ जाओगे तो गमछा भी लेकर आएंगे। हम जब आया था यहाँ पर लगभग 3:30 में पहुँच गया था एंड यहाँ पर थोड़ा इन्जॉय किया हम लोग भी एंड बहुत सारा यहाँ पर लोग विजिट करने के लिए आया। काल में इनॉग्रेशन हुआ था ना, इसका वजह से बहुत सारे लोग आया था ये जगह में। मैं बहुत ही अच्छा लगा और बहुत भाई लोग जा चुका है तो हम लोग अभी वापस चले जाएंगे। ये देखें इसको छोड़ के जाएंगे। यहाँ पर ना कुछ यहाँ पर कुछ अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आने के बाद। हम लोग अभी इतने विलेज जाएंगे, अभी हम लोग चला जाएंगे और ये छोड़ के बाय बाय टाटा। यहाँ पर हम लोग तो आ गया लेकिन इथेनिक विलेज में हम लोग जाएंगे साथ में, वो रास्ता में मिलता है, इसलिए हम लोग प्लान कर लिए वहाँ पर जाने के लिए। पहली बार जा रहे हैं आज। तो गाइस यहाँ पर डीजे वाला जो है लड़की सेकेंड डे में आज से हो रहा था डीजे, और यहाँ पर कुछ ऐसा इंग्लिश गाना वगैरह मतलब बजाया था डीजे और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर। तो गाइस ये सेकेंड डे डीजे वाला और सेकेंड डे और ये फेस्टिवल जटिंग का फेस्टिवल आप लोग कैसा लगा एंड आप लोग ये जटिंग का वाटरफॉल भी आप लोग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना एंड आप सबको इतना ही है, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगा आप सबको। बाय बाय, जय हिंद।